आज हम बात कर रहे हैं 1971 में बांग्लादेश के एक स्वतंत्र देश बनने की वजहों के बारे में। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान के दो क्षेत्र बने थे, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा बोलने वाली देश की 56% आबादी रहती थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान की ज्यादातर मुस्लिम आबादी पंजाबी, सिंधी, बलूची, उर्दू आदि भाषाओं का इस्तेमाल करती थी। फरवरी 1948 में पाकिस्तानी असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि उर्दू के साथ साथ बांग्ला भाषा को दूसरी राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन उर्दू को पाकिस्तान की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान मजहब के आधार पर उपमहाद्वीप के करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इसलिए पाकिस्तान की एक ही भाषा हो सकती है जो केवल उर्दू है। किसी भी भाषा को दबाने का मतलब होता है उस भाषा से जुड़े लोगों की संस्कृति और साहित्य को दबाना, और पाकिस्तान बनने के बाद ऐसा ही हुआ। भाषा के उपयोग पर 1952 के बाद यह टकराव हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया।